और मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया। बता दें कि बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये छठवां बजट है। आज कुछ अहम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। संसद भवन पहुंचने से पहले वित्त मंत्री अपने दोनों राज्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराया। वित्त मंत्री संसद भवन पहुंची तो उनके हाथ में लाल रंग के बैग में बजट टैबलेट था। निर्मला सीतारमण खुद नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बजट की कॉपी एक ट्रक से लाई गई। 11 बजे बजट भाषण शुरू हुआ तो वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ राम मंदिर का भी जिक्र किया। इस पर मेज की थपथपाहट से हॉल गूंज उठा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्ता पहनकर संसद पहुंचे, उसके ऊपर उन्होंने क्रीम कलर की जैकेट पहनी हुई थी। वहीं सोनिया गांधी भी बजट सेशन में शामिल होने पहुंची। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी के साथ ब्लैक ओवर कोट पहना हुआ था। तो ये थी बजट सत्र की खास बातें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।